आईपीएल 2021 का ट्रेडिंग विंडो 4 फरवरी तक ओपन है और 4 तारीख तक गाइस आप सभी को यहां पे ट्रेडिंग विंडो चलते हुए देखने को मिलने वाली है। तो गाइस आज हम बात करने वाले उन 4 टीमों के बारे में जिन्होंने गाइस अभी ट्रेडिंग विंडो को लेके अपनी तरह से स्ट्रेटेजी बना रही है एंड इन खिलाड़ियों के साथ वो कॉन्टैक्ट कर रही है एंड ऑक्शन से पहले गाइस वो बाहर के खिलाड़ियों के साथ भी कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो गाइस आज हम बात करने वाले उन 4 टीमों के बारे में। सामने निकल कर आ रहे चेन्नई सुपर किंग की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो गाइस अभी ये 4 टीमें कॉन्टैक्ट में हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 टीमों के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले टीम के बारे में। तो गाइस सबसे पहले टीम निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम 4 खिलाड़ियों के साथ गाइस यहां पे कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है। तो गाइस अब हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में। तो गाइस उन खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं क्रिस लिन, स्टीव स्मिथ, रॉबिन उथप्पा और ए श्रीशांत। तो गाइस इन खिलाड़ियों के साथ अभी चेन्नई सुपर किंग की टीम कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है और मैं आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग की टीम गाइस यहां पे इनमें से रॉबिन उथप्पा को ऑलरेडी उन्होंने ट्रेड कर लिया है, अपने टीम में इंक्लूड कर लिया है कैश के थ्रू एंड 3 करोड़ में उन्होंने रॉबिन उथप्पा को अपने टीम में इंक्लूड कर लिया है। और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम क्रिस लिन को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है ताकि उनकी जो ओपनिंग स्लॉट है वो गाइस यहां पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो कोई भी फॉरेन खिलाड़ियों के पीछे नहीं भागेगी। और गाइस अगर यहां पे क्रिस लिन उनके हाथ में नहीं आते तो वो 2021 के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है स्टीव स्मिथ को। जी हां, स्टीव स्मिथ को अगर वो टारगेट करती है एंड अगर अपने टीम में इंक्लूड करती है चेन्नई सुपर किंग की टीम तो गाइस इनको एक अच्छा कप्तान मिल जाएगा और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी इनको साथ में मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे चेन्नई सुपर किंग की सोच यही है कि अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं एस श्रीशांत के बारे में। तो गाइस इंडियन गेंदबाज इनको चाहिए और गाइस एस श्रीशांत काफी कमाल के गेंदबाज हैं एंड गाइस यहां पे एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज हैं एंड चेन्नई सुपर किंग की टीम 2021 के मिनी ऑक्शन में इनके टारगेट करेगी एंड इनको अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। तो गाइस दूसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो गाइस सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों ने काफी खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया है, यंग खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया है और ऐसे में एसआरएस की टीम गाइस यहां पे कुछ खिलाड़ी को जो कि वो टारगेट कर रही है एंड 2021 के मिनी ऑक्शन में उनको अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी एसआरएस की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसआरएस की टीम कौन से खिलाड़ी के साथ वो कांटेक्ट में जुड़ी है। तो गाइस उन खिलाड़ियों का नाम यहां पे सामने निकल कर आ रहा है, मयंक मार्कंडे को वो ट्रेड करना चाहते हैं एंड बंगाल के विवेक सिंह को गाइस वो 2021 के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है एसआरएस की टीम। और एसआरएस की टीम विवेक सिंह के साथ कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट भी कर चुकी है और 2021 के मिनी ऑक्शन में उनको अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी एसआरएस की टीम। और एसआरएस की टीम का जब यहाँ पे ट्रायल कैंप लगेगा तब यहाँ पे इनको इनविटेशन भी भेजा गया है, विवेक सिंह को बुलाया गया है एसआरएस के ट्रायल कैंप में। तो गाइस यहाँ पे एसआरएस की टीम इन 2 खिलाड़ी को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है जहाँ पे ट्रेड के जरिए मयंक मार्कंडे को वो अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं एंड 2021 के मिनी ऑप्शन में विवेक सिंह को टारगेट करेगी एंड अपने टीम में इंक्लूड करेगी एसआरएस की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में। तो गाइस तीसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है मुंबई इंडियंस की टीम। तो गाइस यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम भी गाइस यहाँ पे एक खिलाड़ी को टारगेट कर रही है। अब मैं आप सभी को बता दूं सबसे पहले गाइस वो ट्रेड करना चाहती है क्रिस लिन को एंड क्रिस लिन को ट्रेड के लिए अवेलेबल भी कर दिया है उन्होंने और मुंबई इंडियंस की टीम बाहर की खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड इंडियन खिलाड़ी को भी वो ट्रेड के जरिए अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो गाइस जब हम बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में तो गाइस खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं इंग्लैंड के डेविड मलान और कोलकाता नाइट राइडर्स के कुलदीप यादव। तो गाइस इन 2 खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस की टीम अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है जहां पे डेविड मलान उनको मिलेंगे 2021 के मिनी ऑक्शन में और मिनी ऑक्शन में डेविड मलान के पीछे बहुत सारी टीम भागेगी। यहां पे रेस में आपको सबसे पहले नजर आएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और उसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। तो गाइस यहां पे इस रेस में अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम बहुत पीछे क्योंकि इनके पर्स बैलेंस में उतना पैसा नहीं है और मुंबई इंडियंस की टीम गाइस कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट कर चुकी है डेविड मलान के
साथ। तो गाइस अभी डेविड मलान को 2021 के मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी मुंबई इंडियंस की टीम एंड अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। उसके बाद हम बात करते कुलदीप यादव के बारे में। तो गाइस यहां पे कुलदीप यादव को भी अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेड के जरिए और वो एक अच्छी इंडियन स्पिनर को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है। और मुंबई इंडियंस की टीम यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है और कुलदीप यादव को ट्रेड करना चाहती है अपने टीम में और गाइस उसके बदले गाइस वो एक खिलाड़ी को अपने टीम में देना चाहते हैं एंड मुंबई इंडियंस की टीम कैश के थ्रू डील नहीं करना चाहते। अगर कैश के थ्रू ये डील करेंगे तो इनके पास और पैसा कम जाएगा और जब मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन में जाएंगे तो गाइस इनको और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लोग ऑक्शन में जाते हो तो अच्छा खासा आपको पैसा लेके जाना पड़ेगा ताकि आप जो स्ट्रेटेजी बना के जाओगे उस खिलाड़ी को आप लोग अपने टीम में इंक्लूड कर पाओ तो उतना पर्स में आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम कैश के थ्रू डील नहीं करना चाहती, वो खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी देना चाहती है दूसरे टीम को और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं आखिरी और चौथी टीम के बारे में। तो गाइस उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जिन जिन खिलाड़ी को टारगेट कर रही है एंड जिनके साथ वो कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट भी कर चुकी है, क्रिस लिन, स्टीव स्मिथ, सकीबुल हसन, एस श्रीशांत और मिचेल स्टार्क। तो गाइस इन खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम गाइस 2021 के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है और गाइस यहाँ पे क्रिस लिन को ट्रेड के जरिए अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और साथ में यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम भी है इस रेस में, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी इस रेस में है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को चाहिए गाइस एक खतरनाक ओपनर जो कि पहले से वो ढूंढ रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम क्रिस लिन को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है ट्रेड के जरिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीव स्मिथ के बारे में। तो कैसे पे स्टीव स्मिथ के पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 100% भागने वाली है और इनको अपने टीम में इंक्लूड करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और गाइस अपने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से ताकतवर बनाना चाहेंगी ताकि विराट कोहली ए बी डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद इनको जिस खिलाड़ी की नीड थी गाइस ऐसा खिलाड़ी उनको मिल चुका है, स्मिथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए वो काम करके दे सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं मिचेल स्टार्क के बारे में। तो गाइस 2021 के मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मिचेल स्टार्क के पीछे भागेगी 100% कंफर्म है और अपने टीम में इंक्लूड करेगी क्योंकि इनको चाहिए एक प्रॉपर डेथ गेंदबाज जो कि मैच जिता सके ऐसा गेंदबाज इनको चाहिए और मिचेल स्टार्क को खिलाड़ी है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए पहले भी खेल चुका है और गाइस इस बार 2021 के मिनी ऑक्शन में अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इनको अपने टीम में इंक्लूड कर लेती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की डेथ गेंदबाजी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाने वाला है। हम बात करते हैं एस श्रीशांत के बारे में। तो गाइस एस श्रीशांत के साथ आप एक कॉन्टैक्ट में जुड़ी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, आई होप कि इनको भी 2021 के मिनी ऑक्शन में इंक्लूड करेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस इन चार टीमों की तरफ से गाइस ये न्यूज निकल कर आ रही थी एंड गाइस इन खिलाड़ियों के साथ कॉन्टैक्ट में जुड़ी है चार टीमें एंड इन खिलाड़ी को ट्रेड करना चाहती है और अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती है ये टीमें। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे।